हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आम की लौंजी। देखिए, एक अच्छे आम की लौंजी बनती है। हमने आधा किलो आम लिए हुए हैं, उसे धो लिया है, अब इसे हम छील रहे हैं। आम की लौंजी बनाइएगा, खाने में बहुत टेस्टी लगती है। घर में अगर कुछ भी ना हो तो उसे आप खा सकते हैं। देखिए, हमने आम छील लिए हैं, अब इसका बीच से आधा आधा करेंगे। इसकी गुठलियाँ बाहर निकाल दे रहे हैं। देखिए, हमने आम की गुठलियाँ निकाल ली, अब इसके हम पतले पतले पीस करेंगे। कतलियाँ कर ले रहे हैं आम की, इसी तरह से हम सारे आम की कतलियाँ कर लेंगे। ज़्यादा पतले नहीं करना है, नहीं तो आम जल्दी से गल जाएंगे। हमें इसी तरह से सारे आम काटना है। देखिए, सारे मेरे आम अब कटकर तैयार हो गए हैं। आप लोग भी अपने घर पर बनाइएगा। देखिए, हमने एक कढ़ाई ली हुई, उसमें हमने तेल डाल दिया है। ये सरसों का तेल है, आप अपने चाहें तो कोई सा भी तेल डालकर बना सकते हैं। देखिए, मेरा तेल गर्म होने लगा है, इसमें अब हम मसाले डालेंगे। आधा चम्मच मेथी दाना, आधा चम्मच राई, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच कलौंजी, ये सबको हम भून लेंगे। और इसमें हल्दी डाल दे रहे हैं। देखिए, हमारे भून गया है, अब इसमें हमने आम डाल दिए। इनको अब चलाएंगे तेल में। इन्हें हम 5 मिनट तक पकाएंगे आमों को तेल में। इसमें हम नमक डाल दे रहे हैं। नमक डालकर हमने चला दिया है अपने आमों को। लगातार चलाते रहिएगा, जिससे आम नीचे चिपके नहीं। देखिए, हमने गुड़ लिया हुआ है, एक फ्राई में हमने गुड़ डाल लिया है। इसे इसमें थोड़ा सा पानी डालना है, जिससे चाशनी बन जाए। देखिए, अब इसे चला रहे हैं, जिससे आम में मिठास रहे। देखिए, हमारा गुड़ पकने लगा है। गुड़ को हम इसलिए अलग पका ले रहे हैं, गुड़ में जो भी किसकिसापन हो या रेत हो तो वो बाहर निकल जाती है इसे छानने से। देखिए, आम हम मेरे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। इसमें अब हम मसाले डालेंगे। इसे थोड़ा सा पानी डाल दिया है, जिससे आम हमारे गल जाएं। इसे हम अब फिर चला ले रहे हैं। थोड़ी सी मिर्ची पाउडर डाल दिया, इसको भी डालकर चलाया है हमने। जो चाशनी बनाई थी गुड़ को, उसको छान ले रहे हैं। छान कर ही डालना है, उसमें जो भी गंदगी होती है बाहर निकल जाती है। रेत वगैरह, लकड़ी, गन्ने का जो उसमें रेशा आ जाता है, वो सब निकल जाता है बाहर चाशनी बनाने से। और हमने चाशनी को छान लिया है। देखिए, हमारी चाशनी अब पकने लगी है आम में। इसे अब ढककर रख देंगे। इसमें हम थोड़ा सा कलर डाल दे रहे हैं, फूड कलर है ये। फूड कलर हमने डाल दिया है, अब चला दे रहे हैं। चारों तरफ से चलाएंगे, जिसमें सब में पहुंच जाए कलर। कलर डालने से इसमें जो गुड़ का कालापन रहता है वो नहीं रहता है, देखने में भी अच्छा लगता है। देखिए, हमने ढककर पकाया था, अब हम फिर खोल कर चला रहे हैं। देखिए, हमारी चाशनी पकने लगी है, गाढ़ापन भी आने लगा है, थोड़े से आम भी गल गए हैं। देखिए, थोड़े से आम भी गल गए हैं और खट्टा मीठा हमारे आम की लौंजी बनकर तैयार हो गई है। आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। प्लीज़ अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जो भी मेरे चैनल पर नया आया हो। और कमेंट द्वारा बताइएगा आपको आम की लौंजी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।